भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं उमरिया के प्रतिष्ठित व्यापारी अरविंद बंसल के फेसबुक अकाउंट से एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट पर अरविंद बंसल सहित दो और अन्य युवकों पर उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाने में मुस्लिम समाज के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को थाने ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। मामला उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाने का है, जहां पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के द्वारा फेसबुक पर धार्मिक ग्रंथ को आतंकवाद से जोड़कर एक पोस्ट की गई थी, जिससे नौरोजाबाद निवासी जेपी पटेल द्वारा इसी पोस्ट को शेयर भी किया गया था, जिस पर मुस्लिम समाज द्वारा थाने पहुंचकर आपत्ति दर्ज करवाई गई। मुस्लिम समाज का कहना है कि इस पोस्ट से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तीन लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर, कल का क्या मामला था पूरा, फेसबुक में जो अपडेट हुआ था? कल शाम को करीब 8-9 बजे के आसपास यहाँ जो मुसलमान के जो सदर हैं मर्तजा अली, वो करीब 40-50 लोगों के साथ में थाने में आके एक लिखित आवेदन पत्र कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया गया था। उसमें ये लिखा था कि एक अपना जेपी पटेल है और एक कोई बंसल है वहाँ उमरिया का, उसने अपने फेसबुक आईडी पर एक कोई विवादित बयान पोस्ट किया था। सर, क्या क्या धारा लगाई गई इनके ऊपर? उसमें धारा 295 और 153A IPC के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सभी लोकल माहौल कैसा है? लोकल में माहौल अभी शांत है। उमरिया से कामेश खट्टर की रिपोर्ट।